नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं theLallanTop.com। भाग्य के सहारे ही सही इंग्लैंड 2019 का क्रिकेट विश्व कप जीतने में कामयाब रहा। इस विश्व कप में खेलने वाले 10 देशों में सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़ दें तो बाकी के सभी देश इतिहास के किसी न किसी कालखंड में ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। कमाल की बात यह है कि 2019 के विश्व कप में खेल रहे इंग्लैंड टीम के आधे खिलाड़ी भी विदेशी मूल के ही हैं। हम आपको ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला नाम है इयान मॉर्गन। 19वीं सदी के इंग्लैंड के लोग अपने पड़ोसियों आयरिश लोगों को कमतर मानते थे। आम धारणा थी कि आयरिश लोगों के मुंह बंदरों से मिलते जुलते हैं, इस तरह वो एंग्लो सैक्सन नस्ल से कमतर इंसान हैं। उनके बारे में एक पूर्वाग्रह ये भी था कि आयरिश लोग शराबी और झगड़ालू होते हैं। 19वीं सदी के लंदन में निकलने वाले नौकरियों के इश्तेहार में काले अक्षरों में लिखा होता, नो आयरिश नीड अप्लाई। आयरिश लोगों के साथ भेदभाव का ये सिलसिला 20वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा। और अब आयरिश मूल के ही इयान मॉर्गन 2019 के विश्व कप में खेल रहे इंग्लैंड की टीम का नेतृत्व कर रहे थे। मॉर्गन की पैदाइश डबलिन की है, जो आयरलैंड की राजधानी है। 16 साल की उम्र में मॉर्गन ने पहला इंटरनेशनल मैच खेला आयरलैंड की हरी जर्सी पहनकर। तारीख थी 5 अगस्त 2006। 2007 के विश्व कप में भी अपने मुल्क की टीम के साथ खेल रहे थे, लेकिन इसके ठीक बाद उन्हें इंग्लैंड की टीम में ले लिया गया। मई 2007 में उन्हें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहे इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज मैच में 12th मैन के तौर पर खिलाया गया। 2010 में संडे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में मॉर्गन ने कहा, मैं 13 साल की उम्र से इंग्लैंड के लिए खेलना चाहता था। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं क्या चाहता था। मेरी माँ एक इंग्लिश महिला है और मेरी पैदाइश के साथ ही मेरे पास इंग्लिश पासपोर्ट भी था। दूसरे खिलाड़ी हैं आदिल उस्मान राशिद। ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तान मूल के कुल 60% लोग एक ही जिले के हैं। ये जिला है पाक प्रसारित कश्मीर का मीरपुर, लिहाजा इन कश्मीरियों को इंग्लैंड में मीरपुर बिरादरी के तौर पर जाना जाता है। राशिद का परिवार 1967 में रोटी की तलाश में इंग्लैंड में आया था। राशिद की पैदाइश इंग्लैंड में ही हुई, यॉर्कशायर के ब्रेडफोर्ड में। यॉर्कशायर वो जगह है जहां के खेत मजदूरों ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी। राशिद का परिवार भले ही इंग्लैंड में था, लेकिन घर की दीवारों के भीतर भारतीय उपमहाद्वीप जिंदा था। घर में कश्मीर के कहवे की महक और क्रिकेट का जुनून एक ही आंच में पक रहा था। 14 साल की उम्र में यॉर्कशायर अकेडमी की नज़र राशिद पर पड़ी। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फिरकी के कहर की पहली नुमाइश की यॉर्कशायर अकेडमी के लिए, 13 रन देकर 6 विकेट लिए। 2007 में इंग्लैंड के बेस्ट यूथ प्लेयर बने। 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आज वो इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद स्पिनर हैं। तीसरा नाम है मोइन अली। राशिद की तरह मोइन भी मीरपुर बिरादरी से आते हैं। उनके दादा रोजी रोटी की तलाश में इंग्लैंड आए थे। बर्मिंघम में पैदा हुए मोइन अली के पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे। जिस गली में उनका घर था उसकी धाक आज भी इंग्लिश क्रिकेट पर है। उनके चचेरे भाई कबीर अली, नक्श खान, रवैत खान उनकी ही गली के रहने वाले थे। ये सब खिलाड़ी इंग्लैंड के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके हैं। उनके भाई कदीर और उमर भी क्रिकेटर हैं। मोइन ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच फरवरी 2014 में खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 48 रन बनाए और एक विकेट भी लिया। तब से अब तक अली बतौर हरफन मौला इंग्लिश क्रिकेट टीम में हिस्सा बने हुए हैं। 2014 में भारत के खिलाफ हो रहे टेस्ट मैच में मोइन अली सेब गाजा और फ्री प्लेस्टाइन के रिस्ट बैंड पहनकर मैदान में उतरे थे। इसने विवाद पैदा कर दिया था। ICC की नियमावली के हिसाब से कोई भी खिलाड़ी मैदान से किसी राजनीतिक गतिविधि का प्रचार नहीं कर सकता। बाद में इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने मोइन की इस हरकत को जायज ठहराया। सफाई दी कि मोइन यह अपील मानवीय आधार पर कर रहे थे, कोई सियासी मकसद इसके पीछे नहीं था। चौथा नाम है बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के मशहूर रग्बी खिलाड़ी गेड स्टोक्स के बेटे हैं। जब वो बहुत छोटे थे तो उनके पिता अपना मुल्क छोड़कर इंग्लैंड आ गए। यहाँ उन्हें वर्किंगटन टाउन रग्बी लीग क्लब में कोच की नौकरी मिल गई। स्टोक्स की परवरिश इंग्लैंड में ही हुई। 2010 में हुए अंडर 19 विश्व कप में इंग्लैंड की तरफ से खेले और उन्होंने भारत के खिलाफ सैकड़ा भी जड़ा। 2011 में उन्होंने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच खेला आयरलैंड के खिलाफ। वो क्रिकेट के सबसे मशहूर क्लब मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब का हिस्सा भी रहे हैं। 2013 में स्टोक्स का परिवार फिर से न्यूजीलैंड चला गया। स्टोक्स इंग्लैंड में बने रहे और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में भी बने रहे। कमाल की बात यह है कि 2019 के विश्व कप फाइनल में यही स्टोक्स अपने मुल्क के खिलाफ खेले और सबसे उम्दा खेले। विश्व कप फाइनल में उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। पांचवा नाम है जोफ्रा आर्चर का। जोफ्रा आर्चर के पिता इंग्लिश हैं, जबकि उनकी माँ बारबाडोस की रहने वाली हैं।
आर्चर ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत वेस्ट इंडीज से की। वो इंडीज की अंडर 19 टीम के लिए 3 मैच भी खेल चुके हैं। ब्रिटिश पासपोर्ट होने के बावजूद आर्चर के इंग्लैंड टीम में खेलने में एक अड़चन आई थी। इंग्लिश क्रिकेट टीम का नियम था कि आपको राष्ट्रीय टीम में खेलने के लिए इंग्लैंड में कम से कम 7 साल रहना जरूरी है। इस हालात में वो 2022 से पहले इंग्लैंड की टीम का हिस्सा नहीं बन सकते थे, लेकिन बोर्ड ने अपना नियम बदला और इंग्लैंड में रहने की सीमा को घटाकर 3 साल कर दिया। इसके बाद आर्चर को टीम में जगह मिली। अपने तेज गेंदबाजी से सबको हतप्रभ करने वाले आर्चर के बारे में एंड्रयू फ्लिंटॉफ का कहना था कि वो आर्चर को टीम में लेने के लिए दूसरे किसी भी सदस्य की बलि दे सकते हैं। विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड सुपर ओवर जैसे नाजुक मौके पर आर्चर को गेंद थमाकर सबको चौंका भी दिया था। आज हमारे देश में राष्ट्रवाद पर बहुत बहस हो रही है। असहमति की हर आवाज को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। कहते हैं आज के राष्ट्रवाद के विचार की शुरुआत फ्रेंच इंकलाब के बाद होती है। ये यूरोप में पैदा हुआ विचार था और सबसे ज्यादा वहीं फला फूला, लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में यह विचार मध्यम पड़ता गया। आज यूरोप का हर बड़ा शहर आपको सभ्यताओं के संगम के तौर पर मिलेगा। किसी भी आदमी को उसकी पैदाइश या नस्ल के आधार पर कमतर नागरिक या देशद्रोही कहना दकियानूसी विचार माना जाता है। मगर हमने हाल में अपने यहाँ ऐसे कई मौके देखे हैं जब लोगों को जरा सी बात पर पाकिस्तान चले जाने को कह दिया जाता है। उधर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में आधे खिलाड़ी इंग्लिश मूल के थे ही नहीं, लेकिन उनकी देशभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठा। आप भी विश्व कप के बहाने ही सही इस बात पर थोड़ी देर तक शांति से सोचिएगा। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए thelallantop.com। और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तुम्हारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।